नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। हमारा देश चाहे कितना भी विकसित कर ले, पर फिर भी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हमेशा होता ही रहता है, चाहे प्रशासन के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है ऋषिकुंड से, जहां 3 आदिवासियों को पुलिस थाने लेकर गई और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ भी दी, जिसके बाद काफ़ी आदिवासियों ने पुलिस थाने का घेराव भी किया। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला है कि कल शामपुर थाना क्षेत्र के ऋषिकुंड में 2 पशु व्यापारी की हत्या कर एक वाहन को जला दिया गया था। वहीं पुलिस ने बीती रात उम्बी वनवर्षा से 3 आदिवासी युवकों को पकड़कर पूछताछ के लिए थाना लाई, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों युवकों को छोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों ने 3 वीजर लेकर अपने स्थानीय थाना बरियारपुर का घेराव कर पुलिस द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया। और वहीं इस मामले में रतनपुर पंचायत के सरपंच कुणाल कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। पुलिस की रेड पड़ी थी उबी बनवर्षा में, वहाँ पे कुछ लोगों को निर्दोष उन्होंने पकड़ लिया। वास्तविक वहाँ वो लोग जिसको पकड़े हैं उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मगर अब पता नहीं इन्होंने क्यों उनको पकड़ा, ये तो यही बताएंगे। वहाँ पर मान लीजिए चलता फिरता रास्ता है, सारा रास्ता उधर से गाड़ी चलती है, अनजान लोग भी बहुत सारे आते हैं। आपराधिक घटना अगर घट गई तो कोई जरूरी नहीं कि स्थानीय लोग किया है वो घटना, बाहरी भी आकर के उस जगह घटना करके अंजाम दे के चले जाते हैं, उसकी वजह से स्थानीय लोग दोषी नहीं हो सकता ना। तो पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा अनुसंधान करना चाहिए सही से कि निर्दोष उसमें ना पकड़ाएं, और क्या पकड़ा, लेकिन वो छूट गया है स्थानीय लोगों के प्रशासनिक वहाँ पर जो मैंने लोग प्रेशर में पब्लिक के दबाव में फिर वहाँ जिनको पकड़ा था उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन आखिर ये तंग जो जाकर के करते हैं पुलिस प्रशासन जाकर के गांव में, वो नहीं होना चाहिए। कौन ये तो हमको नहीं पता है, ये तो मालूम करना पड़ेगा। यहाँ से बरियारपुर थाना से हम आएंगे, ये तो थाना को बताना चाहिए ना कि कौन सी टीम गई थी नहीं गई थी। रात में गई थी जी, रात में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ। क्या है आप? सरपंच है गांव के। कौन सा पंचायत? रतनपुर पंचायत। जैसा कि वहां के सरपंच कुणाल कुमार ने बताया कि हमेशा आदिवासियों को परेशान किया जाता है, पुलिस उन्हें बेवजह थाने लेकर आती है और उनसे पूछताछ करती है। इस चीज को लेकर उन्होंने कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए और आदिवासी भी हम लोग भी एक व्यक्ति हैं, हमें परेशान न किया जाए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।